ई स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर टू एंड दैट इज प्रॉबेबिलिटी राइट यूनिट नंबर टू डेट इज प्रोबेबिलिटी ओके सो ये जो चैप्टर है वो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है राइट ट्वेल्थ में मोस्ट ऑफ जिसका भी स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट था उनका ये चैप्टर आ गया है सो so, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉट इज प्रोबेबिलिटी राइट कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज सिंपल मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज राइट कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है राइट सपोज हम एक कॉइन टॉस करते हैं सपोज हम कॉइन टोस करते हैं सो कॉइन टोस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी या तो हमें हेड मिलेगा या फिर तेल राइट right? तो हमें पहले से पता नहीं होता कि हमें हेड मिलेगा या तेल ओके सो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है टू पॉसिबिलिटीज राइट हमारे पास तो पॉसिबिलिटीज है और इनमें से हमें कोई भी एक रिजल्ट मिलेगा ओके okay? उसी तरह अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो थ्रोइंग अ डाइस तो हमें उसके क्या रिजल्ट मिल सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट कि अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें से हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन सिक्स में से कोई भी एक रिजल्ट मिलेगा राइट right? तो ये हमारी क्या हो गई पॉसिबिलिटीज राइट right? कि हमारे पास जो ये सिक्स पॉसिबिलिटीज है उसमें से हमें कोई भी एक रिजल्ट मिलेगा अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं उसी तरह अगर हम कोई किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है टू राइट तो यहाँ पे जो ये टू पॉसिबिलिटीज है उसमें से हमें कोई भी एक रिजल्ट मिलेगा कॉइन टॉस करने से ओके तो अब कॉइन टॉस करने से दो पॉसिबिलिटीज है वो हमें पता है बट रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम आगे से नहीं बता सकते राइट right? कि मुझे कॉइन टॉस करने के बाद हेड ही मिलेगा या फिर ही मिलेगा वो हम आगे नहीं बता सकते वो हम जब कॉइन टॉस करेंगे उसके बाद ही हमें बता चलेगा उसी तरह अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास सिक्स पॉसिबिलिटीज है राइट right? मगर हम उसमें भी पहले से नहीं बता सकते कि हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कौन से आउटकम्स मिलेंगे कौन सा रिजल्ट मिलेगा राइट right? तो ये सब है वो पॉसिबिलिटीज है कि हम उसे जानते तो है कि पॉसिबिलिटीज क्या है अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं या फिर डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि हमें कौन से रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट right? मिल सकते हैं, पर कौन सा रिजल्ट मिलेगा ये एग्जैक्टली exactly बता नहीं सकते तो वो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी राइट प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज कि उसमें इन शॉर्ट चांस राइट सॉरी हाँ यहां पे प्रोबेबिलिटीज़ राइट इन शॉर्ट चांस कि हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या प्रॉबेबिलिटी मिलेगी तो हम हमारे पास यहाँ हम अगर एच एन टी हमारे पास है पॉसिबिलिटीज अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमें हेड मिलेगा राइट अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमें हेड मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज मतलब टोटल आउटकम कितने हैं टू और अगर हम कोई भी एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं तो हेड मिलने की पॉसिबिलिटीज कितनी है एक तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हेड मिलने की पॉसिबिलिटीज एक है देन अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टू तो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वन अपन टू राइट सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा कि जो भी हमें फाइंड करनी है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके पॉसिबल आउटकम सो उसके पॉसिबल कहां पे मिलेंगे उसकी पॉसिबल आउटकम को हम डिवाइडेड में लिखेंगे बट हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी थी यहाँ पे कि हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमें हेड चाहिए राइट right? तो हेड चाहिए तो हेड हमारा क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स तो हेड हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे राइट right? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओके तो है प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें सो एंड सो वो हमें पता होता है लेकिन हम वो बता नहीं सकते कि हमारे पास टोटल कितने भी रिजल्ट है उसमें से यही रिजल्ट मिलेगा वो हम क्लियरली पहले से बता नहीं सकते राइट right? कि हमें रिजल्ट पता होता है कि यही रिजल्ट मिलेगा बट एग्जैक्टली exactly कौन सा रिजल्ट मिलेगा वो भी डोंट नो राइट रिजल्ट हमें कुछ भी मिल सकता है ओके okay? देन हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रॉबेबिलिटी ओके तो वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन थियरी में ठीक है कि एग्जाम में आ सकते है दो या तीन टर्म्स आपको पूछते पुछ, है एग्जाम में तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्या है रेंडम एक्सपेरिमेंट नंबर वन रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके सो उसकी डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट एन एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट इन एनी वन इन एनी वन ऑफ द Several possible outcomes is called is called a random experiment right an experiment which can result. इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल्स आउटकम इज कॉल्ड रेंडम एक्सपेरिमेंट राइट के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है राइट जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से हमें कोई भी रिजल्ट कितने मिलते है रिजल्ट इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स मतलब पॉसिबल आउटकम्स में से हमें कि कोई भी एक रिजल्ट मिलता है तो उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट राइट ओके अगर हमने आगे देखा कि हम कॉइन को टॉस करते हैं कि उसका एग्जांपल क्या होगा कि टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस राइट तो सिंग कॉइन ये हमारे क्या हो जाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट राइट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें कोई भी एक रिजल्ट मिल सकता है कि एनी रिजल्ट एनी वन रिजल्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स राइट कि हमें कोई भी एक रिजल्ट मिलता है पॉसिबल आउटकम्स में से ठीक है देन के इस ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे आप रिपीट कर सकते हो ठीक है जितनी बार चाहो उतनी बार उसे रिपीट कर सकते हो सपोज हमने कॉइन को टोस्ट किया एक कॉइन को टोस्ट किया हमें कितने मिले एच एंटी पॉसिबल आउटकम्स मिले फिर से उसी क्वाइंट को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम क्या हो जाएंगे एच टी एच टी राइट सो हम जितनी बार चाहे उतनी बार जो भी एक्सपेरिमेंट है उसे रिपीट कर सकते हैं ओके सो एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड ओके देन नंबर थ्री क्या हो गए कि उसके जो पॉसिबल आउट कम है वीडो वी नो पॉसिबल आउटकम राइट उसके जो टोटल पॉसिबल आउट कम है वो हमें पता है बट but we don't we don't know exact result right sample space number 2 sample space right so to, to when i say get washing a coin कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे कि टॉसिंग और कॉइन कर... तो वो क्या हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट राइट तो वो हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट देन हमें क्या चाहिए सैम्पल स्पेस राइट ये उसका रैंडम स्पेस हो जाएगा अब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एच एन ओके okay. कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें एच एन टी मिल जाएगा ओके okay. हमें सैम्पल स्पेस चाहिए तो उसके पॉसिबल आउटकम कम एच एन टी है तो अगर हमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी आउटकम मिले राइट right? जो भी आउट्स कम मिले उसे हम सेट्स में लिखते हैं पॉसिबल आउटकम को सेट में लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट में मींस सेट में लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा सैंपल्स, राइट right? वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा एंड उसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू यू या फिर एस राइट सैंपल स्पेस को हम डेनोइट करते हैं यू या फिर एस से हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा देन हमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल आउटकम मिले उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं मतलब कि सेट इसे हम सेट बोलते हैं ना सेट उस सेट में हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा सैम्पल स्पेस राइट तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ सेट रिप्रेजेंटिंग अ सेट रिप्रेजेंटिंग

रेंडम एक्सपेरिमेंट इट्स कॉल्ड अस कॉल्ड अलस राइट हमने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस किया वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउट कम क्या है एच एन टी राइट तो ये एच एन टी को हमने सेट में लिख दिया तो वो हमारे क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस सो सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होगा अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट्स कॉल्ड अ सैंपल स्पेस राइट एंड इट इज डेनोटेड बाय इट इज डेनोटेड बाय एस और यू राइट उसको हम एस और यूसे करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक कॉइन टॉस किया था उसी तरह अगर हम टू कॉइन को टॉस करते हैं टॉसिंग अ टू कॉइन राइट सो so सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें क्या मिलेगा एच एन टी राइट फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसका पॉसिबल आउटकम हमें मिले एच एन टी अब सेकंड कॉइन को टॉस करते हैं सेकंड कॉइन को टॉस कर लिया सो so, अब हमें उसके पॉसिबल आउटकम्स चाहिए तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे सबसे पहले तो एच एन एच देन सेकंड क्या होगा एच एन टी उसी तरह थर्ड क्या होगा टी एन एच एंड फोर्थ क्या होगा टी एन टी राइट ये हमें पॉसिबल मिल गए अब हम उसे सेट में राइट right? जो भी पॉसिबल आउट कम मिले उसे हम सेट्स में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस उसे हम एस या फिर यू से लिख सकते हैं समझ में आया कैसे करना है कि अगर हमने टू कॉइन को टॉस किया तो हमें उसके पॉसिबल आउटकम क्या मिले एच 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 टी टी एच टी राइट तो ये जो पॉसिबल आउटकम है उसे हम सेट्स में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस ओके उसी तरह अगर कॉइन है सॉरी डाइस है तो डाइस के पॉसिबल आउटकम क्या है कि थ्रोइंग डाइस थ्रोइंग डाइस तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट तो उसे हम सेट्स में लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस यू राइट सो क्लियर इज वॉट इज सैंपल स्पेस की अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट्स कॉल्ड सैंपल स्पेस ओके And there are two types of sample space. Key. Two types of sample space. Number one, finite sample space. And number two, infinite sample space. ओके नंबर वन है फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड नंबर टू है इनफाइनाइट स्पेस सैंपल स्पेस तो व्हाट इज फाइनाइट सैंपल स्पेस इफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कि फाइनाइट सैंपल स्पेस में क्या आएगा कि इफ नंबर ऑफ सिंपल है इफ द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस If the number of sorry, ha, huh, sample points of sample space, matlab as, is finite, is finite, then it is no, then it is non as finite sample space, right? Then it is no a finite sample space. देन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस इनफाइनाइट सैंपल स्पेस तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इफ द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सॉरी सैंपल पॉइंट्स of s is infinite then it is now as infinite sample space right कि फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होगा इफ द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज फाइनाइट मतलब काउंटेबल हो तो वो हो जाएगा फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड इफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ एस इज इनफाइनाइट मतलब कि नॉन काउंटेबल हो देन इट इज नॉन एस इनफाइनाइट सैंपल स्पेस ओके तो यहां पे हमारा सैंपल स्पेस क्लियर हो गया देन नंबर थ्री कि नंबर थ्री इवेंट राइट नंबर थ्री है इवेंट ओके okay, सबसे पहले हम लेते हैं उसमें कि थ्रोइंग अ डाइस डाइस को थ्रो करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके वो हमारा हो जाएगा रेंडम एक्सपेरिमेंट सो उसके पॉसिबल कम क्या होंगे उसके जो पॉसिबल कम होंगे वो होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट ये उसके पॉसिबल कम देन उस पॉसिबल कम को हम सेट में लिखते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसे हम सेट में लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस राइट वो हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस यू ओके सो हमने क्या किया जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम थे उसे सैंपल स्पेस में लिख दिया तो वो हमारा क्या हो गया यू अब ये जो सैंपल स्पेस है उसमें से हम जो कुछ आउटकम है उसे ए इज इक्वल टू करके लिखते हैं राइट right? कि उसे ए इज इक्वल टू करके सेट में लिख देंगे पॉसिबल आउटकम में से कुछ आउटकम को राइट right? सो so हम यहाँ पे सपोज लिखते हैं वन फोर एंड सिक्स राइट तो हमने यहाँ पे एज इक्वल टू करके सेट में जो पॉसि सेम्पल स्पेस थे उसमें से कुछ आउटकम को लिख दिए तो इस तरह अगर हम ए इज इक्वल टू लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगी वो हमारी इवेंट हो जाएगी ओके सो okay? so, हमने यहां पे क्या किया सो so, ये हमारी इवेंट हो गई नाउ ए क्या होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू राइट कि यहाँ पे ए सबसेट हो जाएगा यू का कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू राइट यू की जगह पे आप एस भी लिख सकते हो ओके okay. मतलब कि ए के जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटिंग इन यू राइट यहां पे आप देखोगे तो ए के एलिमेंट्स क्या है वन फोर सिक्स तो ये तीनों एलिमेंट्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट इन यू राइट तो इसे हम क्या बोलेंगे ए को इवेंट राइट right? कि ए के जो टोटल पॉसिबल्स और टोटल आउटकम है वो सभी कम हमें सैम्पल स्पेस में मिलते हैं ओके okay, तो वो सो so अब हम ए को बोल सकते हैं इवेंट ठीक है ए इज अ सबसेट ऑफ यू सो वी कैन से डेट कि ए इज इवेंट ओके सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट The result of an experiment are non is event. Okay? Then two types of events are key number one, Kia impossible event number 1 is impossible event so what is impossible event that if if a is equal to null if a is equal to null then a is a impossible event right ए इज इक्वल टू नल है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा एंड सेकंड है पॉसिबल सर्टेन इवेंट कि सेकंड सर्टेन इवेंट कि इफ ए इज इक्वल टू एस देन द इवेंट Then the event A is a certain event. Right? Two types of event. First, impossible event. What is impossible event? If A is equal to null, then A is a impossible event. And if A is equal to S, S means sample space, then the event A is a certain event. ओके okay. देन हम देखते हैं नंबर फोर नंबर फोर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट राइट सो सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं गिजा कॉम्प्लीमेंट ऑफ An event A is the aggregate is aggregate of all the sample points all the sample points of sample space. Which do not belongs to A? Do not belongs to A, right? And it is denoted, it is denoted by A dash or A bar. Okay. So, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक सैम्पल स्पेस यू है देन इवेंट ए राइट देन इवेंट ए एंड उसके बाहर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में वैल्यू होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसे हम ए डैश बोलते हैं राइट right? तो जो भी ए इवेंट है उसके अलावा जो भी ए इवेंट है उसके अलावा सैंपल स्पेस के जो भी सैंपल्स पॉइंट है वो किस में होंगे ए डैश में राइट right? सपोज हम लेंगे कि सपोज यू इज इक्वल टू है इन सेट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट यू हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन इवेंट ए इवेंट ए इज इक्वल टू है टू फाइव एंड सिक्स राइट टू फाइव एंड सिक्स सो अब एक आ हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे फाइंड करेंगे सो so, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सो उसे हमने लिखा कि डेनोवेटेड बाय ए डैश और ए बाय कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश कि ए डैश इज इक्वल टू कि जो भी ए में है उसके अलावा यू के सारे सैम्पल पॉइंट राइट तो ए में क्या है टू फाइव एंड सिक्स तो उसके अलावा सैंपल स्पेस में जो भी सैंपल पॉइंट्स है उसे हम किसमें लिख सकते हैं डैश में तो वो हमारा क्या हो जाएगा one, three and four. Right? तो वन थ्री एंड फोर राइट तो ए के अलावा यू में जो जितने भी सैंपल पॉइंट्स है वो किसमें आ जाएंगे ए डैश में राइट सो डैश क्या होगा कि अपोजिट सॉरी ए में जितने भी नंबर्स है उसके अलावा जो भी सैंपल स्पेस मतलब यू में इसके अलावा जितने भी नंबर्स है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैस में मिल जाएंगे ठीक है देन नेक्स्ट है नंबर फाइव नंबर फाइव है यूनियन ऑफ टू इवेंट्स राइट सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी द यूनियन ऑफ उसमें हम क्या लिखेंगे द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एन बी इज डेनोटेड बाय ए यूनियन बी राइट ए यूनियन बी एंड इट इज It is the aggregate, it is the aggregate of all sample points, all sample points belonging to either a or

डी के सेम, सभी सैंपल्स पॉइंट्स या फिर दोनों के सैंपल्स पॉइंट्स को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ टू इवेंट्स राइट सो इसका जो इसे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि सपोज यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ये हमारा यू हो जाएगा धैन फर्स्ट इन एंड सेकंड ये हो जाएगा राइट right? अब सॉरी हाँ, अगर इसे हम ड्रो करते हैं तो हमने यहाँ पे इवेंट ए ड्रो की एंड इवेंट बी मैंने ऐसे रफली किए हैं आपको एक्जेक्ट ड्रो करना है राइट right? सो so, इन दोनों को हमने ऐसे ड्रो किया ढैन इनमें ए एंड बी दोनों में साथ में लाइन की क्यों लाइन की क्योंकि यहाँ पे हमें ए यूनियन बी चाहिए यूनियन ऑफ टू इवेंट्स मतलब ए यूनियन बी तो सैंपल स्पेस ऑफ बोथ इवेंट राइट बोथ यू मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज u इज इक्वल टू क्या है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे हमने आगे देखा एंड ए इवेंट में क्या है कि वन टू थ्री फोर देन सपोज इवेंट बी में है हमारे पास टू फाइव सिक्स ओके सो यहाँ पे हमारा यूनियन ऑफ टू इवेंट्स मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा कि हमें ए के सभी सैंपल स्पेस बी के सभी सैंपल स्पेस या फिर सैंपल स्पेस ऑफ बोथ मतलब दोनों की सैंपल स्पेस लिखनी तो हमारा ए यूनियन बी होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी देन नंबर सिक्स की इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ओके सो यहां पर भी लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स में जैसे हमने यहां पर लिखा कि द इंटरसेक्शन ऑफ The intersection of two events A and B is denoted by A intersection B, right? And it is aggregate of all all sample space sorry all sample points belonging all sample points belonging to a and b both right तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा कि जो भी सैंपल पॉइंट्स ए एन बी में एक जैसे राइट right? जो भी सैंपल पॉइंट्स ए एन बी में सेम है तो उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स टू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इवेंट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड इवेंट बी इज इक्वल टू थ्री फाइव सिक्स ओके सो हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी चाहिए तो वॉट इज इंटरसेक्शन्स की जो एलिमेंट्स जो नंबर्स ए और बी दोनों में है उसे हम इंटरसेक्शन बोलेंगे सो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि यहाँ पे देखोगे तो थ्री एंड थ्री वैल्यू जो है दो नंबर वो दोनों में सेम है राइट सो यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इन सेट थ्री राइट सो इसे हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा देन इवेंट ए एंड इवेंट बी राइट सो ये हो जाएगा ए एन ए बी सो यहाँ पे जो दोनों जगह पे सेम है एक साथ है सो so ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ओके